नमस्कार दोस्तों, मैं समर सूर्यवंशी और स्वागत है आपका पीएलसी लर्निंग पॉइंट पर। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू प्रोग्राम, पीएलसी प्रोग्रामिंग कैसे की जाती है डेल्टा पीएलसी की, और डेल्टा पीएलसी के प्रोग्राम को सिमुलेट किस तरह से किया जाता है और सिमुलेशन क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पीएलसी प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर आईएसपी सॉफ्ट वर्जन 3.13 आपको ओपन करना है। इसी में हमें डेल्टा पीएलसी की प्रोग्रामिंग करना है। उसके बाद फाइल पर जाना है, यहाँ पर न्यू पर क्लिक करना है। प्रोजेक्ट नेम में आपको कोई भी प्रोजेक्ट का नाम दे देना है। मैं नाम दे देता हूँ बेसिक पीएलसी। कंट्रोलर टाइप में डीवीपी सिलेक्ट करना है और पीएलसी टाइप में एसवी सिलेक्ट करना है। उसके बाद ड्राइव पाथ में आपको वो जगह सिलेक्ट करनी है जहाँ पर प्रोग्राम सेव करना है। उसके बाद ओके कर देना है। कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। प्रोग्राम पर राइट क्लिक करना है और न्यू पर क्लिक करना है। POU नेम में आपको याद रखना है कि कोई भी स्पेस नहीं देना है। यहाँ पर साइक्लिक टास्क ही रहेगा। प्रोटेक्शन में आप कोई पासवर्ड डाल सकते हैं, जैसे आपका प्रोग्राम कोई एडिट नहीं कर पाए या आपका प्रोग्राम कोई नहीं देख पाए, वहाँ पर आप पासवर्ड यूज़ कर सकते हैं। अभी हमें पासवर्ड की ज़रूरत नहीं है, इसलिए पासवर्ड यूज़ नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर लैडर डायग्राम सिलेक्ट करना है, उसके बाद ओके कर देना है। तो ये है डेल्टा पीएलसी की मेन प्रोग्रामिंग विंडो। इसी में हमें प्रोग्रामिंग करना है। इसको आप यहाँ से बड़ा या छोटा कर सकते हो। अब प्रोग्राम करने से पहले हमें ये देखना है कि आखिरकार प्रोग्राम करना क्या है, तो चलिए वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर दो कंडीशन दी हुई है। पहली कंडीशन है कोड ए सर्किट व्हेन M0 इज़ ऑन Y0 शुड बी ऑन एंड व्हेन M0 इज़ ऑफ Y0 शुड बी ऑफ। जब M0 ऑन रहेगा तब Y0 ऑन रहना चाहिए, और जब M0 ऑफ रहे तब Y0 ऑफ हो जाना चाहिए। यह तो है पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन में दिया है कोड ए सर्किट व्हेन X0 इज़ ऑन Y0 शुड बी ऑन एंड व्हेन X0 इज़ ऑफ Y0 शुड बी ऑफ। यहाँ पर हम X0 स्विच को मान लेते हैं और Y0 कोई एक आउटपुट है या कोई एक लैम्प है। जब स्विच ऑफ रहेगा तब लैम्प ऑफ रहना चाहिए, और जब स्विच ऑन हो तब लैम्प ऑन हो जाना चाहिए। तो चलिए अब इसे प्रोग्राम में बनाकर देखते हैं कि आखिरकार ये प्रोग्राम में कैसे बनेगा। तो यहाँ पर मैं एक और विंडो ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। अब हमें सबसे पहले M0 लेना है। M0 एक तरह से इनपुट है। इनपुट का सिंबल ये होता है, एनो कॉन्टैक्ट का सिंबल। मैंने एनओ और एनसी का एक डिटेल वीडियो बनाया है, आप उसे देखें। उसमें एनओ और एनसी के सिंबल के बारे में बताया गया है और एनओ और एनसी की वर्किंग किस तरह से होती है वो भी काफ़ी डिटेल में समझाया गया है। एनओ कॉन्टैक्ट का सिंबल सेलेक्ट करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर एक बार क्लिक करना है, और जब इस तरह का एरो दिखाई दे तो यहाँ पर आपको ये पेस्ट कर देना है। फिर एरो पर क्लिक करना है और इसकी एड्रेसिंग करनी है आपको M0। फिर Y0 लेना है। तो Y0 एक तरह का आउटपुट है। आउटपुट का सिंबल यह होता है, यहाँ पर क्वाइल लिखा हुआ आता है। क्वाइल पर क्लिक करना है, यहाँ पर एक बार क्लिक कर देना और फिर एक बार एरो पर क्लिक करना है। आउटपुट की एड्रेसिंग Y0 देना है, फिर इंटर कर देना है। अब दूसरी कंडीशन में X0 और Y0 इनपुट आउटपुट लेना है। डेल्टा PLC में इनपुट और आउटपुट की एड्रेसिंग X और Y से करी जाती है। अब हमें यहाँ पर एक और लेडर ऐड करना है, तो आपको यहाँ पर जाना है इस तरह के सिंबल पर और एक बार क्लिक कर देना है। अब एक इनपुट लेना है X0, फिर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, सिंबल पर आएंगे, फिर से एरो पर क्लिक करेंगे और इसकी एड्रेसिंग करेंगे X0 इंटर। इसके बाद हमें एक क्वाइल लेना है, तो यहाँ क्लिक करना है क्वाइल, उसके बाद इसकी एड्रेसिंग करना है Y0। इनके कुछ कोडिंग वर्ड भी होते हैं जो कि मैं आपको बताऊंगा। तो पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने M0 और Y0 का प्रोग्राम बनाया है,
और दूसरी कंडीशन के अकॉर्डिंग एक्स जीरो और वाई जीरो का प्रोग्राम बनाया है। अब ये प्रोग्राम रन करके देखना है कि आखिरकार ये प्रोग्राम सही है या गलत है, मतलब इसे सिमुलेशन करके देखना है। अब सिमुलेशन क्या होता है इसे हम डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। प्रोग्रामिंग में सिमुलेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? सिमुलेशन को सिंपल तरीके से समझे तो यह किसी भी प्रोग्राम को वेरीफाई करने की मेथड है। इंजीनियर्स पीएलसी सिमुलेशन सॉफ्टवेयर की मदद से किसी भी कंट्रोल सिस्टम या कंट्रोल लॉजिक को हार्डवेयर पीएलसी में अपलोड करने से पहले ही चेक कर लेते हैं और ये वेरीफाई कर लेते हैं कि उनके द्वारा बनाया गया प्रोग्राम सही है या नहीं है। इससे फ़ायदा ये होता है कि हमारे द्वारा बनाए गए प्रोग्राम में कोई गलती हो, मतलब कोई लेडर सही नहीं बनाओ, और यदि गलत प्रोग्राम को पीएलसी में अपलोड करके किसी मशीन को ऑटो मोड में चलाएंगे तो मशीन में लगे सिलेंडर या सेंसर गलत ऑपरेशन की वजह से टूट सकते हैं और कोई दिक्कत आ सकती है। इसलिए फ़ायदा इसी में होता है कि प्रोग्राम से मशीन को चलाने से पहले उसे चेक करके वेरीफाई कर लें। अब इसे किसी उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। मान लिया जाए कि कोई ज्वलनशील गैस का टैंक है, इसमें हमें प्रोग्राम करना है टैंक का लेवल लो हो जाने पर टैंक फिलिंग वाल्व ऑन हो जाए, टैंक का लेवल कंप्लीट होने पर फिलिंग वाल्व बंद हो जाना चाहिए, और टैंक का प्रेशर लिमिट से ज़्यादा बढ़ जाने पर अलार्म या हूटर बजना चाहिए। अब यहाँ पर बहुत ही क्रिटिकल और डेंजरस ऑपरेशन है, गलत प्रोग्राम बनने पर कोई भी इंसिडेंट या एक्सीडेंट हो सकता है, इसलिए हम पहले प्रोग्राम को सिमुलेटर सॉफ्टवेयर के द्वारा चेक करते हैं और ये वेरीफाई करते हैं कि प्रोग्राम सही बना है या नहीं बना है। प्रोग्राम सही बनने पर हम प्रोग्राम को पीएलसी में अपलोड करके ऑपरेशन को ऑटो मोड में सेफली रन कर सकते हैं। अब देखते हैं कि डेल्टा पीएलसी में सिमुलेशन कैसे होता है। तो सबसे पहले हमें इसे मिनिमाइज़ करना होगा, इसे भी मिनिमाइज़ कर देता हूँ। उसके बाद कॉम मैनेजर कॉम GR 1.13 वर्जन पर क्लिक करना है। ये डेल्टा पीएलसी का सिमुलेशन सॉफ्टवेयर है। इस पर क्लिक करने के बाद कॉम GR वर्ज़न आपको यहाँ पर मिलेगा, इस पर डबल क्लिक करना है, फिर ऐड करना है, ड्राइवर नेम में सिमुलेशन डालना है, टाइप में यदि आपके पास कोई हार्डवेयर पीएलसी है तो आप इथरनेट केबल या यूएसबी केबल या जो भी आप कम्युनिकेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं वो डाल सकते हैं। यदि कोई हार्डवेयर पीएलसी नहीं है तो आपको डीवीपी सिमुलेटर सिलेक्ट करना है, उसके बाद ओके कर देना है, फिर सिमुलेशन पर क्लिक करना है और स्टार्ट कर देना है। उसके बाद इसको मिनिमाइज़ करना है, फिर से डेल्टा पीएलसी के सॉफ्टवेयर पर जाना है और कंपाइल द प्रोजेक्ट पर जाना है, कंपाइल करना है। कंपाइल में ये चेक होता है कि प्रोग्राम में कोई एरर तो नहीं है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सब पर राइट क्लिक करा है, मतलब प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है। कंपाइल करने के बाद हमें करना है डाउनलोड टू पीएलसी इनवैलिड ड्राइवर फॉर कॉम GR नॉट स्टार्टअप। हमने यहाँ तो डाल दिया है सिमुलेशन, लेकिन सॉफ्टवेयर को बताना पड़ेगा कि लिंक कैसे करना है। उसके लिए हमें टूल पर जाना है, कम्युनिकेशन सेटिंग, और ड्राइवर पर जाकर सिमुलेशन सिलेक्ट करना है और ओके कर देना है, फिर से कंपाइल करना है, डाउनलोड टू पीएलसी, ओके। क्लोज कर देना है। अब आप यहाँ देख सकते हैं ऑफलाइन है, तो इसे ऑनलाइन करना है और उसके बाद रन पर जाना है। अब इस M0 बिट को फोर्सली ऑन करने के लिए यहाँ पर सेट ऑन ऑप्शन आएगा, राइट क्लिक करोगे तो एक सेट ऑन ऑप्शन आएगा, जब इसे आप ऑन कर दोगे तो Y1 ऑन हो जाएगा, जब X0 ऑन करेंगे तब Y0 ऑन होगा। देखिए यहाँ पर अब सेट ऑन किया, अब एक एरर है, कम्युनिकेशन एरर, फंक्शन नॉट सपोर्ट, तो आपको यहाँ पर जाना है, सेट MPU X ऑन ऑफ, इस पर एक बार क्लिक कर देना है
इनेबल होने के बाद फिर आपको इसे आप इसे ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये ऑन किया, अब इसका इनपुट ऑन आया, इसे ऑफ कर दें, इसका इनपुट ऑफ आया। दोस्तों जैसा कि आज हमने देखा डेल्टा पीएलसी में प्रोग्रामिंग किस तरह से की जाती है और सिमुलेशन क्या होता है और पीएलसी प्रोग्रामिंग के सॉफ्टवेयर को सिमुलेशन सॉफ्टवेयर से किस तरह से लिंक किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सीरीज़ और पैरेलल सर्किट। यदि इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।